यह कहानी NCERT की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। इसका एनिमेटेड रूपांतरण सार्ड द्वारा प्रस्तुत है। इस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। यह कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो बिल्कुल अकेले रहती थी और अपना सारा काम खुद करती थी। परंतु जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने झुकती, ऊपर से आसमान आकर उसको तंग करता। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो अम्मा चांद पर पहुंच गई। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। घर का सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता था। पर बूढ़ी अम्मा के साथ एक बहुत परेशानी थी। जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरती तो वह थोड़ा हट जाता, लेकिन आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, उसे परेशान करता और इस तरह यह सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा झगड़े के कारण जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू लगाने जैसे ही आंगन में झुकी, आसमान ने उसे फिर से परेशान किया। अम्मा आओ देखा न ताओ और आसमान को कसकर झाड़ू से मारी। आसमान ने शरारत करते हुए अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुए थी। दोनों में रस्सा कशी शुरू हो गई। अम्मा चिल्लाई, छोड़ो मेरी झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ा। अब आसमान के साथ साथ अम्मा भी झाड़ू पकड़े बहुत ऊपर जाने लगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच गई। तभी अम्मा को वहां चांद दिख गया। झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अगर चांद ने अम्मा की मदद की तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यही रहने देता हूँ। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़ी चांद पर ही बैठी हुई है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है, अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?